भगवान शिव शोक में सती के निर्जीव शरीर को अपने कंधे पर धारण करके पूरे ब्रह्मांड में भटक रहे थे और उन्होंने दुख में तांडव नामक एक लौकिक नृत्य करना शुरू कर दिया। ब्रह्मांड को शिव के प्रकोप से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सती के शरीर को टुकड़ों में विभाजित करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर को काट दिया। यह टुकड़े जहां गिरे वह शक्तिपीठ कहे गए। देवी पुराण में 51, देवी गीता में 72, तंत्र चूडामणि में 52 और देवी भागवत में 108 शक्तिपीठों का वर्णन है। दोस्तों, आज हम आपको कुल 108 शक्तिपीठों के विषय में बताएंगे, जिनमें से 51 शक्तिपीठों का वर्णन हमने इस वीडियो के भाग एक में किया है। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा तो जाकर उसे जरूर देख लें। लिंक ऊपर क्लिक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें। हिमाचल प्रदेश के शक्तिपीठ 52वां शक्तिपीठ चिंतपूर्णी शक्तिपीठ। चिंतपूर्णी अर्थात चिंता को दूर करने वाली देवी, इसलिए इन्हें छिन्नमस्तिका के रूप में पूजा जाता है। यह पवित्र स्थान हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में स्थित है। यहाँ माता सती के चरण के कुछ अंश गिरे थे। ब्रजेश्वरी शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। यहाँ माता के साथ भगवान शिव के रूप में भैरवनाथ विराजमान हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ माता सती का दाहिना वक्ष गिरा था। माँ का यह धाम नगरकोट के नाम से भी प्रसिद्ध है। चामुंडा शक्तिपीठ यह शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है। यहाँ माता के चरण गिरे थे और देवी काली के रूप में पूजी जाती हैं। हरियाणा के शक्तिपीठ मनसा देवी शक्तिपीठ हरियाणा के पंचकुला में शिवालिक पर्वतमालाओं की गोद में स्थित है। माता मनसा देवी का शक्तिपीठ यहाँ माता के मस्तक का अग्रभाग गिरा था और देवी मनसा देवी के रूप में पूजी जाती है। गुजरात की शक्तिपीठ पावागढ़ शक्तिपीठ गुजरात का पावागढ़ हिल जो की समुद्र तल से 762 मीटर ऊपर बना है। यहाँ माता के प्रतिनिधि पैर की अंगुली गिरी थी और माता काली के रूप में पूजी जाती है। मध्य प्रदेश के शक्तिपीठ हरसिद्धि शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में हरसिद्धि शक्तिपीठ है, जहाँ माता की कोहनी गिरी थी और देवी हरसिद्धि के रूप में पूजी जाती है। देवास शक्तिपीठ मध्य प्रदेश में मालवा के देवास शहर में देवी का प्रसिद्ध धाम स्थित है। यहाँ देवी माँ का रक्त गिरा था, इसलिए यहाँ माँ चामुंडा का प्रकाट्य स्थापित हुआ है। साथ ही मान्यता है कि यहाँ माता दो बहनों के रूप में भी विराजमान है। बड़ी बहन माँ तुलजा भवानी और छोटी बहन माँ चामुंडा है। मैहर शक्तिपीठ यह मध्य प्रदेश के सतना जिले के मैहर तहसील के पास त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। यहाँ माता का हार गिरा था और इसलिए इसे मैहर कहा जाता है। मैहर का अर्थ होता है माँ का हार। यहाँ माता शारदा के रूप में पूजी जाती है। पद्मावती शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के पन्ना शहर में स्थित है। पन्ना में माँ सती के पदम यानी पैर के अंश गिरे थे और इसलिए इस शक्तिपीठ का नाम पद्मावती शक्तिपीठ पड़ा। राजस्थान के शक्तिपीठ त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ बांसवाड़ा जिले से करीब 20 किलोमीटर दूर तलवाड़ा गांव में अरावली पर्वतमाला के बीच माता त्रिपुरा सुंदरी का भव्य मंदिर मौजूद है। यहां माता की पीठ गिरी थी और माता त्रिपुर सुंदरी के नाम से विख्यात है। आधार या अर्बुदा शक्तिपीठ यह शक्तिपीठ नक्की झील से 1 किलोमीटर और माउंट आबू बस स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर का नाम देवी दुर्गा के आधार के नाम पर रखा गया था, जो उस स्थान पर गिरा था और हवा में लटका हुआ पाया गया था। यहाँ देवी कात्यायनी के रूप में पूजी जाती है। दिल्ली के शक्तिपीठ योगमाया शक्तिपीठ महरौली में स्थित योगमाया शक्तिपीठ में माता के मस्तक के कुछ भाग गिरे थे। यहाँ माता योगमाया के रूप में पूजी जाती है। उत्तराखंड के शक्तिपीठ नैना देवी शक्तिपीठ उत्तरांचल के नैनीताल में नैनी झील के किनारे देवी सती के नेत्र गिरे थे। माता यहाँ नैना देवी के रूप में पूजी जाती है।
मान्यता है कि यहाँ माता की आंखों के आंसू ने ताल का रूप धारण कर लिया था। सुरकंडा शक्तिपीठ, यह उत्तराखंड के चमोली जिले में सुरकंडा पर्वत पर स्थित है। यहाँ माता सती के सिर गिरने से इसे सरकंडा कहा जाने लगा, बाद में इसका नाम सुरकंडा पड़ गया। चंद्रबदनी शक्तिपीठ, यह उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में जमानी खाल नामक एक छोटे से गांव में स्थित है। यहाँ माता का धड़ गिरा था। इस मंदिर में माता की एक मूर्ति नहीं है, यहाँ माता चंद्रबदनी के रूप में पूजी जाती है। कुंजापुरी शक्तिपीठ, ऋषिकेश के पहाड़ी पर 1676 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है कुंजापुरी देवी मंदिर। यहाँ माता सती की जली हुई छाती गिरी थी। माया देवी शक्तिपीठ, यह शक्तिपीठ हरिद्वार में स्थापित है। यहाँ माता सती की नाभि गिरी थी। माया देवी मंदिर में माता कामाख्या, देवी माया और माँ काली की मूर्ति स्थापित है। पूर्णागिरी शक्तिपीठ, यह शक्तिपीठ जिला चंपावत अंकपुर शहर से 24 किलोमीटर दूर अन्नपूर्णा चोटी पर 4400 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ माता सती की नाभि का कुछ भाग गिरा था। बालासुंदरी शक्तिपीठ, बालासुंदरी शक्तिपीठ काशीपुर में उज्जैनी शक्तिपीठ के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ माता सती के बाह के अंग गिरे थे। यहाँ माता बाल सुंदरी के रूप में विराजमान है। चुड़ियाला शक्तिपीठ, यह शक्तिपीठ मोहनपुर उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ माता सती की चूड़ामणी गिरी थी, इसलिए देवी को चूड़ामणी देवी के नाम से भी पूजा जाता है। उत्तर प्रदेश के शक्तिपीठ, कल्याणी देवी शक्तिपीठ, यह शक्तिपीठ प्रयागराज में स्थित है। यहाँ माता की तीन अंगुलियां गिरी थी। यहाँ माता कल्याणी के रूप में पूजी जाती है। अलोक शंकरी शक्तिपीठ, प्रयागराज के इस शक्तिपीठ में एक भी मूर्ति नहीं है। मंदिर प्रांगण के बीच एक चबूतरा है जहाँ एक कुंड बना हुआ है। इसके ऊपर एक खास झूला या पालना है जिसे लाल कपड़े से ढककर रखा जाता है। इसे झूले या पालने की पूजा की जाती है। यहाँ देवी अलोक शंकरी के नाम से विख्यात है। राजराजेश्वरी शक्तिपीठ, यहाँ माता के दाहिने पैर का कुछ भाग गिरा था। पाटन देवी शक्तिपीठ, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की तहसील तुलसीपुर नगर से 1 किलोमीटर की दूरी पर सिरिया नाले के पूर्वी तट पर स्थित सुप्रसिद्ध सिद्ध शक्तिपीठ मां पाटेश्वरी का मंदिर देवी पाटन है। सती का वाम स्कंध पाटन अंग यहां आकर गिरा था, इसलिए यह स्थान देवी पाटन के नाम से प्रसिद्ध है। शाकंभरी शक्तिपीठ, यह शक्तिपीठ सहारनपुर में स्थित है। यहाँ माता के शीश का भाग गिरा था। यहाँ देवी शाकंभरी के रूप में पूजी जाती है। चंद्रिका देवी शक्तिपीठ, चंद्रिका देवी मंदिर लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ माता सती की चंद्रिका गिरी थी। महिलाओं द्वारा सिर पर पहने जाने वाला आभूषण, यहाँ माता दुर्गा के रूप में पूजी जाती है। श्रावणी शक्तिपीठ, यह शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में स्थित है। यहाँ माता सती के कान गिरे थे, इसलिए देवी श्रवणी के रूप में पूजी जाती है। कड़ा धाम शक्तिपीठ, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में सीरा युग के पास स्थित कड़ा धाम शक्तिपीठ है। यहाँ माँ सती के दाएं हाथ के अंश गिरे थे। यहाँ देवी माता शीतला के रूप में पूजी जाती है। बिहार के शक्तिपीठ, चंडिका स्थान शक्तिपीठ, यह शक्तिपीठ बिहार के मुंगेर जिले में है। यहाँ देवी माँ की बाईं आंख का भाग गिरा था। यहाँ माता चंडिका देवी के रूप में पूजी जाती है। बड़ी पटन देवी शक्तिपीठ, पटन देवी शक्तिपीठ बिहार के पटना में है। यहाँ माता की दाहिनी जंघा गिरी थी। यहाँ देवी को पटेश्वरी देवी या बड़ी पटेश्वरी देवी के रूप में पूजा जाता है। छोटी पटन देवी शक्तिपीठ, छोटी पटन देवी शक्तिपीठ बिहार के पटना में है। यहाँ माता को छोटी पटेश्वरी देवी के रूप में पूजा जाता है, जहाँ माता सती के पीठ का कुछ हिस्सा गिरा था। ताराचंडी शक्तिपीठ, माँ ताराचंडी शक्तिपीठ बिहार के सासाराम जिले में स्थित है। यहाँ माता की दाहिनी आंख का भाग गिरा था। यहाँ माता सती की पूजा चंडी के रूप में की जाती है। उग्रतारा शक्तिपीठ,
सहरसा जिले में महिषी स्थित उग्रतारा शक्तिपीठ है। यहाँ माता की बाई आंख गिरी थी। यहाँ देवी उग्रतारा के रूप में पूजी जाती है। मंगला गौरी शक्तिपीठ। मंगला गौरी मंदिर बिहार के गया जिले में है, जहाँ माना जाता है कि माता सती के स्तन का हिस्सा गिर गया था। यहाँ शक्ति की पूजा एक स्तन प्रतीक के रूप में की जाती है, जो पोषण का प्रतीक है। मिथिला शक्तिपीठ। इसके स्थान को लेकर काफी मतभेद है। लोगों के अनुसार यह नेपाल के जनकपुर, बिहार के समस्तीपुर और सहरसा में इसका स्थान माना जाता है। इसलिए तीनों जगहों पर ही देवी की पूजा की जाती है और यहां माता सती के बाएं कंधे का कुछ भाग गिरा था। मां चामुंडा शक्तिपीठ। नवादा जिले के 30 किलोमीटर दूर रोह प्रखंड के रूपा गाँव में स्थित है। मान्यतानुसार यहाँ माँ सती का धड़का भाग गिरा था। यहाँ देवी चामुंडा के रूप में पूजी जाती है। आरण्य देवी शक्तिपीठ। बिहार के भोजपुर जिले में आरा और आरा की अधिष्ठात्री माने जाने वाली माँ आरण्य देवी शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ माता सती की दाहिनी जंघा के अंश गिरे थे। यहाँ माता आरण्य देवी के रूप में पूजी जाती हैं। छत्तीसगढ़ के शक्तिपीठ। महामाया शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ रतनपुर में स्थित है। यहाँ माता सती का सिर का भाग गिरा था। यहाँ माता महामाया के रूप में पूजी जाती है। दंतेवाड़ा शक्तिपीठ। छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल के दंतेवाड़ा में स्थित है। दंतेवाड़ा शक्तिपीठ मान्यतानुसार यहाँ माता के दांत गिरे थे, इसलिए यहाँ देवी दंतेश्वरी देवी के रूप में पूजी जाती है। चंद्रहासिनी शक्तिपीठ। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के डभरा तहसील में मांड नदी, लात नदी और महानदी के संगम पर स्थित चंद्रपुर, जहां मां चंद्रहासिनी देवी का शक्तिपीठ है। मान्यता अनुसार यहां माता सती के अज्ञात अंग गिरे थे। महाराष्ट्र के शक्तिपीठ। करवीर शक्तिपीठ। यह महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर में स्थित है। यहाँ माता सती के त्रिनेत्र गिरे थे। इस मंदिर में महालक्ष्मी देवी का निवास माना जाता है। सप्तश्रृंगी शक्तिपीठ। साढ़े तीन शक्तिपीठों में माता सप्तश्रृंगी महाराष्ट्र के नासिक के साथ पर्वत चोटियों के भीतर निवास करती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यहां माता सती की दाहिनी भुजा गिरी थी। कर्नाटक की शक्तिपीठ। चामुंडेश्वरी शक्तिपीठ। यह कर्नाटक राज्य के मैसूर शहर से 13 किलोमीटर दूर चामुंडी पहाड़ियों पर स्थित है। यहाँ माता सती के बाल के अंश गिरे थे। यहाँ माता चामुंडेश्वरी देवी के रूप में पूजी जाती है। तेलंगाना के शक्तिपीठ। जोगलम्बा शक्तिपीठ। यह आलमपुर गढ़वाल जिला तेलंगाना में स्थित है। यह मंदिर माता के जोगलम्बा रूप को समर्पित है। यहाँ माता के ऊपर के दांत गिरे थे। आंध्र प्रदेश की शक्तिपीठ। पुरोहितिका शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ पिथमपुर आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ माता के नितंब के अंश गिरे थे। माता सती यहाँ पुरोहितिका के रूप में पूजी जाती हैं। उड़ीसा के शक्तिपीठ। गिरिजा या बिराजा शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ उड़ीसा के जाजपुर में है। गिरिजा शक्तिपीठ, इसे उड़ियान पीठ भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में माता सती की नाभि का कुछ भाग गिरा था, इसलिए इसे नाभि पीठ भी कहा जाता है। तारा तारिणी शक्तिपीठ। भारत के पूर्वी तटीय राज्य उड़ीसा के ब्रह्मपुर शहर से 29 किलोमीटर दूर ऋषिकुलिया नदी के किनारे पुण्य के पहाड़ के ऊपर स्थित है। यहाँ माता के स्तन के भाग गिरे थे। यहाँ माता तारा तारिणी के रूप में विराजमान है। पश्चिम बंगाल के शक्तिपीठ। देवगर्भा शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में बोलीपुर स्टेशन के 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कोपई नदी के तट पर देवगर्भा शक्तिपीठ स्थित है। इस स्थान पर माता की अस्थि गिरी थी। इस मंदिर में देवी मां को स्थानीय रूप से कंकालेश्वरी के रूप में भी जाना जाता है। यहां शक्ति मां को देवगर्भा और भैरव को रुरु कहते हैं। तारापीठ। तारापीठ पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित है। मान्यतानुसार तारापीठ में देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस स्थान को नयनतारा भी कहा जाता है। तारा का अर्थ आंख और पीठ का अर्थ स्थल। यहां माता देवी काली के रूप में विराजमान है। असम के शक्तिपीठ।
उग्रतारा शक्तिपीठ। गुवाहाटी असम के पूर्वी भाग में उजान बाजार में उग्रतारा शक्तिपीठ मंदिर है। मान्यतानुसार माता सती की नाभि का संबंध इस मंदिर से है। यहाँ माता उग्रतारा के रूप में पूजी जाती है। श्री पर्वत शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ को लेकर विद्वानों के बीच काफी मतभेद है। मान्यता अनुसार यह शक्तिपीठ असम राज्य के शहर से 4 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में जौनपुर में स्थित है। श्री पर्वत शक्तिपीठ में माता सती का दक्षिणतम कनपटी गिरी थी। यहाँ माता सती को श्री सुंदरी और भगवान शिव को सुंदर आनंद के नाम से जाना जाता है। श्री टुक्रेश्वरी शक्तिपीठ। असम के गोलपारा जिले में टुक्रेश्वरी शक्तिपीठ स्थापित है। यहाँ माता सती के अज्ञात अंग का टुकड़ा गिरा था, इसलिए इसे टुक्रेश्वरी शक्तिपीठ कहा जाता है। नेपाल के शक्तिपीठ। 104वां शक्तिपीठ। दंतकाली शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ नेपाल के विजयपुर गांव में स्थित है। यहाँ माता सती के दांत गिरे थे, इसलिए इन्हें दंतकाली कहा जाता है। भद्रकाली शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ काठमांडू नेपाल में टुडिकेल के बगल में स्थित है। यहाँ देवी भद्रकाली के रूप में पूजी जाती हैं। सिद्धिकाली शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ नेपाल में थिमी के उत्तर पश्चिम में इनायको में स्थित है। यहाँ माता सती की बाईं आंख का भाग गिरा था। मंदिर को नेपाली भाषा में इनायको द्यो के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ देवी सती काली के रूप में पूजी जाती हैं। जम्मू कश्मीर के शक्तिपीठ। चीची शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ जम्मू के सांबा के निकट बसंतर नदी किनारे राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। यहाँ माता सती की छोटी अंगुली गिरी थी और माता चीची के रूप में पूजी जाती है। झारखंड के शक्तिपीठ। 108वां और अंतिम शक्तिपीठ। योगिनी शक्तिपीठ। माँ योगिनी शक्तिपीठ झारखंड के गोड्डा जिले के पथरगामा प्रखंड में स्थित है। यहाँ माता सती के बाएं जंघा का भाग गिरा था, लेकिन बहुत समय तक इस स्थल को गुप्त रखा गया था। दोस्तों, कई लोगों ने हमारे पहले वीडियो पे और भी कई शक्तिपीठों के नाम कमेंट में लिखे थे। हर शक्तिपीठ माता सती के अंग से बना शक्तिपीठ नहीं है और उनकी कथा कुछ और ही है। अगर आप चाहो तो हम इस पर भी वीडियो लेकर आएंगे। बस कमेंट में लिख दीजिए कि आपको किस शक्तिपीठ की कथा जाननी है। आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय श्री कृष्णा।